चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दिखाएंगे इन्वर्टर एसी डीसी बल्ब का रिपेयर कैसे किया जाता है। अगर आपका बल्ब ख़राब, देखिए हमारा ये 9 वाट का इन्वर्टर एलईडी बल्ब है जिसका अभी डेट है, फिर भी ये जल नहीं रहा है। देखिए एकदम डैमेज हो रखा है। अब इसको हम खोल कर रिपेयर करना बताएँगे कैसे रिपेयर किया जाता है। पहले हम अपना यहाँ से डिफ्यूज़र खोल देंगे। ये हमारा प्लस माइनस के दो वायर लगे हैं, इसके ऊपर जो पेस्ट लगा है उसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि हमारी EMC PCB निकल जाए। इसको सोल्डिंग करके दोनों वायर हटा देंगे यहाँ से। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हमारी वीडियो देख सकें। इससे रिलेटिव हम वीडियो लाते रहते हैं। देखिए हमारी EMC PCB निकल गई। हमारी एक EMC PCB डैमेज हो गई है जहाँ पे इस पर काला सा निशान आ गया है, ये हमारी फ्यूज हो चुकी है। हम इसको यहाँ से खोल कर इसका अंदर का सर्किट भी देख लेंगे कि सर्किट हमारी सही है कि डैमेज हो गई है। ये हाई वोल्टेज के कारण हमारा गया है। ये हमारी बैटरी है, ये लिथियम आयन की बैटरी है। देखिए हम दिखा देते हैं यहाँ अच्छी तरह से। ये देखिए 3.7 वोल्ट की है, 2200 mAh की बैटरी है। ये बहुत ही पावरफुल यही बैटरी लगती है इसमें। इसका देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस फ्यूज गया है, ये हाई वोल्टेज के कारण ही गया है। इसको हम निकाल कर दूसरा नया डाल देंगे। देखिए जल चुका है, इसको हम चेक कर लिए थे इसलिए अब भी अच्छी तरह से देख लें। मैनुअल आंखों से देखने पर ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या गया है। देखिए हम अपना दूसरा लगा दिए, इस पर पेस्ट लगा कर सोल्डिंग पेस्ट लगा कर अच्छी तरह से इसको सोल्डिंग कर देंगे। देखिए हमारा सोल्डिंग हो चुका है। एक हमारी ये भी डैमेज है, इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। वैसे एक बार इसको लगा कर देख लेते हैं, इन दोनों को एक बार कनेक्शन करने पर देखेंगे तो जलेगा तो हमारी MOB सही है, नहीं तो उसको भी निकाल देंगे। EMC PCB लगा कर हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जल रही कि नहीं, यानी हमारी नहीं जल रही थी इसलिए हम अपना MOB भी निकालेंगे। देखिए हमारी MOB निकल गई, इसके जगह हम नई MOB डालेंगे। इसमें बस यही डैमेज था, ये दोनों हाई वोल्टेज के कारण जल चुके थे। MOB और रेजिस्टेंस पे अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसको हम एक्स्ट्रा वायर को कट करके निकाल देंगे, इस पर हम अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देंगे। देखिए हमारी ये अच्छी तरह सोल्डिंग हो चुका है। इस पे हमें सोल्डिंग लगा दिए। अब इसको हम टेस्ट करके दिखाएंगे। ये हमारा प्लस माइनस का वायर है, ये हमारी बैटरी का है, बैटरी का कनेक्शन कर दिए। अब इसको हम बंद करेंगे। इसको हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए हमारा बल्ब जलने लगा, ये तो हमारा करंट से जल रहा है। अब इसको हम उस तरह भी दिखाएंगे जिससे लाइट जाने पर जले। ये तो हमारा AC करंट पा रहा है इसलिए जल रहा है, इसको लाइट कटते इसको जलना चाहिए। इसका डिफ्यूज़र लगा दिए। इसके बारे में और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। देखिए हमारा अच्छी रोशनी दे रहा है। इसको हम एक बार चेक करके दिखाते हैं कि हाथ से या किसी और धातु से लगाने पर जलता है कि नहीं। इस पर देखिए लोहे पे लगाने पर जलने लगा। अब देखिए हाथ से भी जल रहा है।
देखिए अच्छी तरह से अब काम करने लगा। आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा दें ताकि ऐसी रिलेटिव वीडियो जब भी हम लाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहें हमारे चैनल पर।